हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं किशन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किशन व्लॉग 65 में। दोस्तों आज सैटरडे का दिन है और हम चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। यहीं पास में मनसा देवी के पास में एक डॉग पार्क है और हम वहां चलते हैं, देखते हैं वहां कुत्तों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, इन्जॉय करें। तो दोस्तों जो आप ये व्यू देख रहे हैं ये सुबह 6:30 बजे का व्यू है। दोस्तों ये सुबह के 6:30 बजे हैं और जो आप व्यू देख रहे हैं कितना सुंदर सा व्यू है। और ये हम जो यहाँ पे रोड भवन, मैंने आपको बताया रोड भवन हम आ चुके हैं, देख रहे हैं आप कितना सुंदर सा व्यू है। ये माता मनसा देवी रूट पे हैं हम और बहुत ही सुंदर सा व्यू है। ये रोड अभी इस पर आवागमन कम है दोस्तों, ये पार्क को रोड जाती है। तो हम ये डॉग पार्क, जो यहाँ का डॉग पार्क है दोस्तों, इंटर कर चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये डॉग की बहुत ही सुंदर सा ये स्टैचू लगा हुआ है डॉग का। और यहाँ पे रियल में मेरे पास एक डॉग आ गया, जो मैं जब तक यहाँ पे था मैं वॉक कर रहा था या रन कर रहा था ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, काफ़ी मुझे डिस्टर्ब किया, मैं तो डर गया था। सो ये है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना ये सुंदर सा स्टैचू बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। और ये जैसे डॉग वगैरह आप यहाँ पास में रहते हैं तो पार्क में आते हैं तो अपने कुत्तों को कुछ एक्टिविटी या उनको कुछ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे उसकी सुविधाएं हैं, आप अपने कुत्ते को या डॉग को ट्रेन कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हुई हैं, तो आप यहाँ पर डॉग को ट्रेन कर सकते हैं उनके लिए। यहाँ पर ये पार्क बनाया हुआ है, तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया था, बस मैं तो डर गया था इस डॉग से। तो ये काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है, अभी ये फाउंटेन बंद है, पहले काफ़ी सुंदर हुआ करता था, अभी थोड़ा सा बारिश का मौसम है दोस्तों तो थोड़ी घासें बढ़ गई हैं, बट बहुत ही सुंदर व्यू है। यहाँ पे पास में जो यहाँ का नगर निगम का ट्यूबवेल है, जो मशीनें लगी हुई हैं वो भी हम आगे आपको दिखाएँगे, तो यहाँ से पानी की सप्लाई भी होती है। तो दोस्तों मेरे पीछे का जो पार्क था आप देख पा रहे हैं ये पार्क कितना हरा भरा है, सुबह का टाइम है इसलिए अभी ज़्यादा कोई आया गया नहीं है, तो या तो मैं लेट हूँ या तो मैं पहले हूँ। तो ये तो दोस्तों आप पार्क तो बहुत देखे होंगे लेकिन इतना सुंदर और साफ सफाई आप देख रहे हैं, कोई भी यहाँ पे कूड़ा करवट नहीं है। और ये वो मशीन है दोस्तों जिससे यहाँ MDC के अंदर जो पानी की सप्लाई होती है, ये पावर पंप लगे हुए हैं, अभी हम आगे दिखाएंगे ये कहाँ पे इसको स्टोर करते हैं। तो देख रहे हैं आप कितना स्वच्छ और कितना साफ ये पार्क है। जो एरिया है ये आपको काफ़ी सुकून देगा, हरा भरा है, बहुत ही सुंदर सा पार्क है। और यहाँ पे चेतावनी भी दी गई है कि जो ये आपको यहाँ पे ये टैंक है, यहाँ पे इस टैंक की गहराई 16.5 फीट है, आप सोच सकते हैं दोस्तों 16.5 फीट गहराई काफ़ी होती है, तो यहाँ पर ये जल को इकट्ठा करते हैं फिर यहाँ से सप्लाई करते रहते हैं दोस्तों। ये MDC 4 के बीचों बीच ये स्थित है और यहाँ पे पावर हाउस भी है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो टैंक है बना के यहाँ पे पानी का स्टोर करते हैं, फिर यहाँ से
शहर को सिटी में पानी की सप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ का जो व्यू है आप देख पा रहे हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं कितनी हरी भरी हैं, जंगल सा लग रहा है और ख़तरनाक भी होता है, यहाँ पे जानवर निकलते रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यू है दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा होगा देख के। तो इस रूट पे दोस्तों कई कोठियाँ भी हैं, काफ़ी सुंदर बनी हुई हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, तो ये जो इसका दूसरा गेट था और जब हमने एंट्री की थी वो पहला गेट, ये तो भाई साहब भाई हमारे दोस्त जैसे हो गए हैं, बस पीछे पीछे लगी गए, डरा लग दिया था इसने पूरा। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।